सबसे पहले नना प्रभु शक्ति फड़ा पेंतुन सेवा 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 जोहार क्या तो ना अनि अपना आदि मुठवा पहांती पारी कुपाल लिंगो ना कुन भी नना सेवा 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 जोहार क्या तो ना सभी सगा जन अनि मातृशक्ति पितृशक्ति तुन भी नना सेवा 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 जोहार क्या तो ना नावा पारुल प्रिया उइके मंदा नना बालाघाट जीएसयू बालाघाट ता जिला उपाध्यक्ष मंदोना नावा नेंदा विषय जीएसयू दा मून स्थम शिक्षा समाज अनि संस्कृति मंदा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जीएसयू है वो तीन चीज़ों पे काम करता है, शिक्षा समाज और संस्कृति, और यही इसकी नींव है। और कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि ये जो तीन स्तंभ है ये हमारे विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इन तीनों में से एक भी स्तंभ अगर टूट जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे विकास में ये बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए जो हमारा जीएसयू है वो इन तीन चीज़ों पे काम कर रहा है और ये निरंतर काम करता रहेगा। और जैसे कि मैंने देखा है अभी कुछ दिनों से कि फेसबुक में कमेंट्स आ रही है कि जो जीएसयू है वो एक राजनीतिक संगठन है, पर मैं सबको बताना चाहूँगी कि ये एक राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सिर्फ युवाओं के लिए है और ये सिर्फ उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको उनकी संस्कृति की जानकारी देना, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना, इन सब के लिए बना हुआ है। और जैसे कि आज मेरा टॉपिक है शिक्षा समाज और संस्कृति, तो मैं सबसे पहले शिक्षा के बारे में आप सभी को अपने विचार बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो शिक्षा है वो शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और ये हमें सही और गलत के मध्य तुलना करना सिखाती है, और साथ ही साथ में ये हमें तथ्यों पर विश्लेषण करना भी सिखाती है। इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रखती है। परंतु जब हम आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जो शिक्षा है वो केवल पैसे कमाने का जरिया बन चुकी है और ना ही वो उतनी प्रासंगिक है आज की इसमें बात करें तो। और जब हम प्राचीन काल की शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो प्राचीन काल की शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता थी और वो समाज के सभी पक्षों को देख कर दी जाती थी और साथ ही साथ उसमें सभी तरीके का विकास होता था। परंतु जब आज की शिक्षा की बात करें तो आज की शिक्षा केवल नाम मात्र की शिक्षा व्यवस्था रह चुकी है और साथ ही साथ और आज की शिक्षा पैसे कमाने का जरिया तो है ही, और ये इसलिए बन चुका है क्योंकि जो सक्षम लोग हैं, जो जिनको बेहतर शिक्षा चाहिए वो इसे कर लेते हैं, और जिन और जो और हम देखते हैं कि जो हमारे समुदाय के जो लोग हैं वो हमारे समुदाय के जो बहुत से लोग हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और वो इस जो हायर एजुकेशन है और जो इतनी महंगी शिक्षा भी हो गई है उसको एफर्ट नहीं कर सकते, तो वो अभी वहीं के वहीं हैं और वो अपना सामाजिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ मानती हूँ कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सिर्फ एक शिक्षा व्यवस्था के नाम पर ही रह गई है, परंतु उतना विकास नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और इसलिए मैं जो हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है या फिर हम जैसे एजुकेटेड लोग हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगी कि वो सभी कम से कम एक जो हमारे समुदाय का एक व्यक्ति है जो उस हायर एजुकेशन को एफर्ट नहीं कर पा रहा है तो आप उनकी हेल्प करें और उन्हें एजुकेटेड बनाएं, ताकि जो हमारे लोग हैं वो हमारे साथ में चले, ना कि हमारे पीछे चले। और रही बात हमारे समाज की, तो समाज के बारे में मैं कहूँगी कि व्यक्ति एक समाज की इकाई है और समाज से ही व्यक्ति की पहचान होती है, तो और हमें समय के साथ हमारे समाज में भी परिवर्तन करना चाहिए। यदि हम हमारे समाज में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, और अगर हम वहीं के वहीं रह गए तो हम पतन की ओर अग्रसर होंगे और ये बहुत गलत होगा और हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं देखती हूँ कि जैसे कि हमारा समुदाय है और हमारे समुदाय में विभिन्न विभिन्न संगठन बन चुके हैं, और हम लोगों का तो उद्देश्य हमारे समुदाय का उद्देश्य तो एक ही है ना, हमें जो चाहिए हमको वो पाना है, परंतु
ये तभी संभव है जब सब लोग एकजुट होंगे, एक साथ आएंगे। ऐसे नहीं कि वो सब अलग अलग होंगे, परंतु ये जो संगठन बन रहे हैं अलग अलग, उन्होंने सभी को बांट दिया है। इस वजह से जो हम हमारे लक्ष्य की पूर्ति है, जो हमें एक्चुअल में चाहिए, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी जो भी संगठन है उनसे अनुरोध करूंगी कि सब लोग आए, एक साथ आए और अपने लक्ष्य की पूर्ति करें, क्योंकि सभी का लक्ष्य समान है, किसी का लक्ष्य अलग नहीं है। कि और रही बात, और जैसे कि हमारे समाज में मोस्टली ये होता है कि जो आगे चलता है, जो अपना वर्चस्व करना चाहता है, वो सिर्फ आगे चलता है, वो लोगों को साथ में लेके नहीं चलता है। पर हमें लोगों को अपने साथ में लेके चलना है, ना कि आगे ना पीछे। क्योंकि अगर हम लोगों को साथ में लेके चलेंगे अपने साथ में, तो उनमें भी एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि नहीं, हमें भी कुछ करना है समाज के लिए। और अगर जो संगठन ऐसा करता है, वही संगठन आगे जाके सक्सेस होता है, और उसी को ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और अगर संस्कृति की बात करूँ, तो संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, वो हमारा घमंड है, हमारा गौरव है। बिना संस्कृति के हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो संस्कृति है, संस्कृति से ही हमारे समाज की पहचान होती है, और समाज में व्यक्ति रहता है। इसलिए हमें हमारी संस्कृति का रक्षण करना ही चाहिए। और संस्कृति जो है, वो हमें पूर्वजों द्वारा प्राप्त होती है, और वो हमारे पूर्वजों का सम्मान है, और हमें इसे संरक्षित ही करना पड़ेगा। अन्यथा हम उस पतन की ओर चले जाएंगे जो हम नहीं चाहते हैं। और इसलिए मैं अनुरोध करूँगी कि सब अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को बनाए रखें, और साथ ही साथ में जो हमारी और जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए, जो हमारे समुदाय से ही हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं, परंतु वो लोग आज भी हमारी संस्कृति को सामने, सबके सामने लाने में हिचकिचाते हैं। पर उन लोगों को ये नहीं पता कि जो हमारी संस्कृति है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि वी आर ट्राइब्स, वी आर इंडिजिनस। तो इस पर गौरव करें, क्योंकि ये गौरव की बात है कि हम लोग ट्राइब्स हैं, हम लोग इंडिजिनस हैं। और क्योंकि संस्कृति है तो सभ्यता है, सभ्यता है तो हम हैं। इसलिए जो हमारा GSU है, वो इन तीनों चीज़ों को लेकर काम कर रहा है, तभी हम हमारा विकास आसानी से कर पाएंगे। हाँ, हमारा काम अभी थोड़ा धीरे चल रहा है, परंतु ये धीरे 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 कर एक, इसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जब ये और ज़्यादा पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस होगा। और साथ ही साथ में मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ, और ये कहना चाहूँगी कि आप सभी शिक्षित बनिए और एकजुट हो, तभी हम हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और हम जो हम अभी के बारे में बात करें, तो अभी एक ऐसा समय आ गया है कि हम लोगों को एजुकेशन के साथ साथ हमें लोगों को जागरूक करना है, और लोगों को जागरूक करके भी उन्हें संविधान के बारे में बताना है कि हमें संविधान में ये राइट्स मिले हैं, क्योंकि भविष्य में ये बहुत काम देंगे। क्योंकि हमारा भविष्य जो है, वो इसी, हम इसके भांति हमारे भविष्य को सुदृढ़ कर सकते हैं। और जो ये हमारे तीन स्तंभ है, यही हम लोगों के विकास की एक वजह है। तो और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत बड़ी महामारी चल रही है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय सेवा, जय बड़ा देव।